11 अभियोगों में वांछित चल रहा आजम खां का करीबी 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त बरकत अली ठेकेदार उर्फ फकीर मोहम्मद गिरफ्तार। आसरा कॉलोनी डूंगरपुर की खाली पड़ी जमीन पर निवास करने वाले व्यक्तियों को निर्ममता पूर्वक उनके घरों से उजाड़ने तथा उन घरों में आवासित लोगों के साथ मारपीट, लूट, छेड़छाड़ आदि करने वाले अभियुक्त गण की गिरफ्तार हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 21 सितंबर 2020 को अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर रामपुर श्री विद्या किशोर के नेतृत्व में थाना गंज रामपुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त बरकत अली ठेकेदार उर्फ फकीर मोहम्मद को जौहर पुलिया चौराहा से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर आसरा कॉलोनी डूंगरपुर से लूटपाट की गई। चांदी की 2 पायल व सोने की 1 अंगूठी तथा पुरानी करेंसी के कुल 8,000 रुपए बरामद हुए। थाना गंज पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह एक 25,000 का इनामी अपराधी बरकत अली ठेकेदार है, जो थाना गंज के 11 अभियोगों में वांछित था। और अभी आपको याद होगा, पिछले ही कुछ दिनों पहले इसकी कुर्की की भी कार्यवाही रामपुर पुलिस ने बरेली जाकर के की। आज रामपुर पुलिस को इसकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। ये मामला आसरा कॉलोनी डूंगरपुर के पास खाली पड़ी ज़मीनों पर जो लोग बसे थे उनके घरों में लूटपाट, उनका घर गिराने संबंधित थे, जिसमें इसके पास से पुरानी करेंसी के 8,000 रुपये, 5,500 के 16 नोट, 1 अंगूठी सोने की, 2 चांदी की पायलें बरामद हुई हैं। और 11 मुकदमे में क्योंकि वांछित था, 83 के बाद भी व्यक्ति वांछित रहता है, आज इसकी गिरफ्तारी हुई। माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में इसे जेल भेजा गया।